कहते हैं प्रतिभा के आगे कोई नंबर मायने नहीं रखते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा है जिसने लोहा ऐसा मनवाया कि एशिया के साथ अब पूरी दुनिया उसका लोहा मानने लगी है। इसने बीकानेर के साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के लेख राम खिलेरी की, जिसने हाल ही में चीन के हांगझाऊ में चल रहे एशियन गेम्स में रोइंग इवेंट यानी नौकायान में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेडल जीतने पर बीकानेर के तिलक नगर स्थित घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। परिवार के फोन पर मिलने वालों बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेखराम के पिता ने बताया कि लेखराम की स्कूली शिक्षा बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर लखासर गांव में हुई और बचपन ही उसका खेल एवं गतिविधियों में ही पला बड़ा। लेखराम के 10वीं और 12वीं में जहां सेकंड डिवीजन आई, आज उसने मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा के आगे नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं। लेखराम के पिता भी बीएसएफ में हैं, बीएसएफ से रिटायर्ड हो चुके हैं और वे लेखराम ने उन्हीं को अपना प्रेरणा मानकर आर्मी में जाने का सोचा। लेखराम के पिता का मानना है कि अब उनका सपना है कि उनका बेटा ओलंपिक में जाकर भारत का नाम रोशन करे और दुनिया में भारत का लोहा मनवाए। लेखराम शुरू से ही क्या है इसके खेलने की रुचि रही है, जब से ये शुरुआती पढ़ाई तो इसकी गांव के अंदर गांव लखासर में हुई, उसके बाद में 10वीं तक ये लखासर ही पढ़ा। खेल के प्रति तो इसकी रुचि शुरू से ही थी और जब यहाँ बीकानेर में आ गए तो बीकानेर में आने के बाद में फिर ये उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा है उसने यहाँ बीकानेर सिटी स्कूल से प्राप्त करी। उसके बाद डूंगर कॉलेज से इसने बीए किया। बीए करने के बाद में इसकी धुन तो क्योंकि रुचि इसकी वही थी खेल के प्रति वही थी, फिर आर्मी में जाने का इसका जुनून था। कब गई आर्मी में, आर्मी ज्वाइनिंग कब की? आर्मी में 2017 में ये नवंबर में ज्वाइनिंग थी। जबलपुर में इनकी ट्रेनिंग थी आर्मी की और ट्रेनिंग पासिंग होने के बाद में उसने वहाँ हमने इच्छा जाहिर की कि मेरे को किसी खेल के अंदर में सबको अच्छी खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। घर में किस तरह का माहौल है? सब लोग घर में खुश हैं, सारे क्या है कि हम तो सभी का आशीर्वाद मानते हैं।